हेलो फ्रेंड्स, यदि आप टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं या तो आपके पास ऑलरेडी टर्म इंश्योरेंस है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बातें आपका एजेंट आपको नहीं बताने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो कौन सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? तो उसमें से फर्स्ट चीज़ है एक्सक्लूजन लिस्ट। कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें आपका इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होगा? क्योंकि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाय करने जाओगे तो जनरली एजेंट बोलते हैं, इन एनी केस अगर आपका डेथ हो गया तो आपका क्लेम पास हो जाएगा, विच इज़ नॉट द रियलिटी। इसमें बहुत सारे ऐसे सिनेरियो है जिसमें आपका डेथ होने पर भी आपके फैमिली मेम्बर्स को इंश्योरेंस का सम अश्योर्ड नहीं मिलेगा। तो समझ लेते हैं ये एक्सक्लूजन लिस्ट क्या है। उसमें पहला क्लॉज है एक्ट ऑफ गॉड एंड एक्ट ऑफ वॉर। आई गेस ये क्लॉज तो ऑलमोस्ट सभी को ही पता होगा। एक्ट ऑफ गॉड मीन्स अगर कोई नेचुरल कैलामिटी के वजह से डेथ होती है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, इन दैट केस अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम किया गया तो वो पास नहीं होगा। देन सेकेंड इज़ एक्ट ऑफ वॉर। अगर इंडिया फ्यूचर में कोई कंट्री से वॉर में पार्टिसिपेट करता है और ड्यूरिंग दैट पीरियड बिकॉज ऑफ वॉर अगर किसी का डेथ होता है तो इवन इन दैट केस एज वेल उसका इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं होगा। तो अब मैं जो भी एक्सक्लूजन लिस्ट बताता जाऊंगा उसका साथ में एक प्रूफ भी दिखाता जाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ये सभी पॉलिसी में इंक्लूड होते हैं। तो ये रहा एक बजाज का पॉलिसी है जिसमें एक्सक्लूजन लिस्ट में यहाँ पे वॉर, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, हॉस्टिलिटीज, तो ये पूरा लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। सो दैट वॉज द फर्स्ट एक्सक्लूजन। वॉट इज सेकेंड? पॉलिसी स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स। अभी हर पॉलिसी के अपने कुछ अलग एक्सक्लूजन्स होते हैं। तो जैसे कि मैं एक पॉलिसी चेक कर रहा था, उसमें स्पेसिफाई किया हुआ था अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद अगर आफ्टर 180 डेज डेथ हुई तो इन दैट केस आपका इंश्योरेंस पास नहीं होगा। तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होने के बाद, लेट से अगर मैं 190 डेज कोमा में हूँ, उसके बाद डेथ हुआ, तो डेथ इज़ बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बट ये एक्सक्लूजन लिस्ट में पाया जाता है। तो इसके लिए मैंने एक पॉलिसी निकाल के रखा है, इन इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड आफ्टर 180 डेज ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द एक्सीडेंट द कंपनी शेल नॉट बी लाइबल टू पे द सम अश्योर्ड। सो ऐसे कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स आपको डिपेंडिंग ऑन कौन सा पॉलिसी है उसमें मिलेंगे। सो मेक श्योर यू रीड दिस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स थरली। देन थर्ड इज कंस्टेबिलिटी पीरियड। अब ये क्या होता है? देर इज अ कंस्टेबिलिटी क्लॉज दैट अलाउज द इंश्योरेंस कंपनी टू क्वेश्चन द क्लेम्स फाइल्ड बाई पॉलिसी होल्डर्स बेनिफिशियरीज इफ द पॉलिसी होल्डर पासिस अवे विद इन 2 ईयर्स ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। अगर जिसने पॉलिसी निकाला है वो विद इन 2 ईयर्स अगर उसका डेथ हो जाता है विथ एनी रीजन्स, तो कंपनी हैज़ अथॉरिटी टू क्वेश्चन द क्लेम्स। तो अगर आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करोगे तो कंपनी विल पास योर क्लेम, बट इसमें कंपनी कैन डिले योर क्लेम अंटिल कंपनी इज सेटिस्फाइड विथ योर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड। देन फोर्थ और मेजर क्लॉज है फोर्स मेजोर। तो जितना मैंने रिसर्च किया उसमें मुझे पता चला कि फोर्स मेजोर क्लॉज में, अंडर दिस क्लॉज कंपनी कैन कैंसल योर क्लेम एट एनी टाइम। कंपनी आपका पॉलिसी भी कैंसिल कर सकती है और कंपनी आपका प्रीमियम भी इंक्रीज कर सकती है। ये क्लॉज मुझे ऑलमोस्ट सभी इंश्योरेंस कंपनी में मिले एक्सेप्ट फॉर LIC। सो दिस इज़ द फोर्स मेजोर क्लॉज। मैंने यहाँ पे कोटक का एग्जांपल दिया है। तो ये फोर्स मेजोर क्लॉज डालते क्यों है? अगर कंपनी कोई एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में है जहाँ पे कंपनी किसी को पैसे पे नहीं कर सकती है, अंडर दिस सिचुएशन ये फोर्स मेजोर क्लॉज अप्लाई हो जाएगा। देन ये तो हुआ एक्सक्लूजन लिस्ट। इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आजकल बहुत ही ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स चल रही है शोइंग क्लेम
क्लेम सेटलमेंट रेशियो, हमारे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99% है, 98% है, तो ये एग्जैक्टली क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता क्या है? तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये आपको, जैसे कि अगर आप पॉलिसी बाज़ार पे भी जाओगे तो ये हर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इमटेरियल इफ़ यू आर बाइंग टर्म इंश्योरेंस। ये जो रेशियो है इट इज़ ऑफ द कंपनी, कंपनीज के पास जितने भी क्लेम आए हैं उसमें से कितने परसेंट क्लेम सेटल हुए। अभी देर इज़ नो डेटा शोइंग कि टर्म इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98% है या 99% है। लेट से अगर आपका एंडोमेंट प्लान है, मनी बैक पॉलिसीज है, तो इन दैट केस आपका क्लेम सेटल होना ही है। बट मैंने बहुत रिसर्च किया बट मुझे कहीं पे भी ये प्रॉपर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि सिर्फ टर्म इंश्योरेंस का बात करें तो व्हाट इज़ द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको पता है वो डेटा कहाँ से मिलेगा तो यू में कमेंट डाउन मिलो और मुझे ईमेल भी कर सकते हो, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। यहाँ पे मुझे मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.4% है और ICICI का 97.9, विच डज नॉट मीन कि मैक्स लाइफ इज बेटर देन ICICI, ठीक है। तो कहने का मतलब है डोंट गो विथ CSR, दैट इज क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मैंने IRDA का भी वेबसाइट चेक किया, मुझे वहाँ पे सिर्फ सेक्टर वाइज डेथ क्लेम कितने पास हुए हैं उसका इन्फॉर्मेशन मिला, स्पेसिफिक टर्म इंश्योरेंस कैटेगरी का कितना क्लेम्स पास हुआ है उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये तो हुआ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। उसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा व्हाट इज क्लेम सेटलमेंट पीरियड। अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, अगर लेट से कंपनी ने 2 मंथ भी डिले किया, तो 1 करोड़ का अगर मैं 6% रिस्क फ्री रेट भी पकड़ूँ विच विल कम फॉर 2 मंथ्स, इट विल कम टू 1%, तो 1 लाख रुपीज़ कंपनी विल सेव अगर कंपनी ने डिले किया आपको क्लेम पे करने में, तो 1 लाख रुपया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। सो इसीलिए अगर आप टर्म इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो गो फॉर द कंपनीज विच पासिस द क्लेम वेरी फास्ट। सो मैंने यहाँ पे देखा तो कुछ कंपनीज है जहाँ पे गारंटीड 1 डे डेथ सेटलमेंट क्लेम्स है, बट इट इज़ उसमें भी थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर कंपनी डिले करती है आपको आपका क्लेम पे करने में, तो कंपनी विल बी लायबल टू पे यू इंटरेस्ट ऑन योर सम अश्योर्ड। सो अभी डिफरेंट कंपनीज में ये डिफरेंट है। एक कंपनी में मैंने देखा कि अगर वो कंपनी विद इन 1 वीक क्लेम सेटल नहीं करती है तो कंपनी विल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन एंड अबव ऑफ द सम अश्योर्ड। सो ये एक चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये तो हुआ क्लेम सेटलमेंट। अब मार्केट में एक नया चीज़ आया है, दैट इज़ डायरेक्ट प्लान। जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान होते हैं, वैसे ही इंश्योरेंस में भी अभी डायरेक्ट प्लान्स आने चालू हुए हैं। तो ये डायरेक्ट प्लान्स का बेनिफिट क्या है? आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटरमीडियरी कॉस्ट कंपनी का सेव हो जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 15-20% आपके प्रीमियम्स चीपर हो जाएंगे। बट ये प्लान्स किसके लिए है? इफ़ लीगल हेयर्स आर केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द प्रोसीजरल वर्क देन ही कैन और शी कैन गो विथ डायरेक्ट प्लान्स। अगर लीगल हेयर्स ये जो प्रोसीजरल पार्ट नहीं कर पाएंगे तो आई एडवाइस कि एक ट्रस्टवर्दी इंश्योरेंस एजेंट ढूंढे और उसी के पास से ये प्लान्स करवाइए। सो दीज आर द चेकलिस्ट जो आपको क्लेम जो आपको इंश्योरेंस बाय करने से पहले देखने हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने ये इंश्योरेंस बाय कर भी लिया है और ये आप होल्ड करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल हेल्थ चेकअप्स। मेरे स्टडी के हिसाब से बहुत जगह पे इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुए हैं बिकॉज कंपनी बोलती है कि आपको प्री मेडिकल कंडीशंस थी। तो सबसे पहले जब आप इंश्योरेंस करवाए तो टेली मेडिकल ना करवाए और जो फिजिकल मेडिकल हेल्थ चेकअप रहता है वो करवाए, और एडिशन टू दैट
हर साल आप अपना हेल्थ चेकअप करवाए और उसका रिपोर्ट या तो गूगल ड्राइव या तो अपने कोई भी एक फैमिली मेम्बर को फिजिकल कॉपी में दे, और अगर आप गूगल ड्राइव में रख रहे हो तो उसका एक लिंक शेयर कर दे। तो हर साल का एनुअल हेल्थ चेकअप। तो अगर कभी इंश्योरेंस क्लेम करने का टाइम आए तो कंपनी ऐसा ना बोले कि आपको तो पहले से ही ये मेडिकल कंडीशंस थी, तो एट दैट टाइम आप दिखा सकते हो कि एवरी ईयर का मेरे पास हेल्थ रिपोर्ट है। अगर वो एवरी ईयर का हेल्थ रिपोर्ट क्लीन है तो कंपनी आपका क्लेम डिनाई कर ही नहीं सकती। तो ये आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ एनुअल हेल्थ चेकअप। सेकेंड, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। जैसे कि मैंने बताया, कंपनी डिले कर सकती है आपका क्लेम पास करने को। अगर कंपनी ने 2 महीने भी क्लेम डिले कर दिया और आपका क्लेम अमाउंट 1 करोड़ है, तो आपका 1 लाख रुपये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो कंपनी डिले कब कर सकती है? जब आपके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लेट्स से जब भी आप टर्म प्लान ले रहे हो और आपने डिस्क्लोज किया है कि आप ग्रेजुएट हो, तो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह आप रेडी रखो और आपके फैमिली मेम्बर को भी दिखा दो, ताकि अगर एट द टाइम ऑफ क्लेम अगर कंपनी वो डॉक्यूमेंट मांगे तो आपके और आपके फैमिली मेम्बर के पास वो डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो आपका जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा, बेस्ड ऑन दैट वो कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हो वो एक रेडी करके एक फोल्डर बना के ही रखना चाहिए। देन द थर्ड एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन विथ फैमिली मेम्बर्स। मुझे ऐसे कुछ केसेस मिले हैं जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस था बट उनके फैमिली वालों को पता ही नहीं था कि उनका कोई टर्म इंश्योरेंस है। एंड ऐसा भी बहुत केस है जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस होने के बावजूद फैमिली मेम्बर्स के पास इनफ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसीलिए क्लेम डिले हुआ, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने बहुत टाइम लग गया। सो बेस्ट वे इज़ कम्युनिकेट कि आपका कौन सा पॉलिसीज है, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वो उसका एक सेट बना के एक फैमिली मेम्बर को दे दीजिए। दिस इज़ द प्रिकॉशन यू कैन टेक। अब आप देखोगे तो ये प्रिकॉशन बहुत ही ईजी है और सभी को लेने चाहिए, ताकि जब अगर इंश्योरेंस क्लेम करने की बारी आए तो आपका इंश्योरेंस सबसे फास्ट प्रोसेस हो जाए। तो अगर आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो ये सभी चीज़ों थरली चेक कर लो, ताकि आगे जाके आपके फैमिली मेम्बर्स को कोई डिफ़िकल्टी ना आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।